नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 22 साल की एक महिला कृषि वैज्ञानिक ने वैवाहिक रिश्तों में कटुता से तंग आकर अपने पति और चार ससुराल वालों को मौत के घाट शातिराना तरीके से उतार दिया। इसके लिए उसने अपनी वैज्ञानिक शिक्षा का एक ऐसा दुरुपयोग किया जिसकी वजह से पुलिस भी अब हैरानी में पड़ गई है। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने केमिस्ट्री की भाषा में जहरों का जहर कहे जाने वाले सबसे घातक केमिकल थैलियम का इस्तेमाल किया, जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। पुलिस ने आरोपी वैज्ञानिक को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम संघमित्रा है। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपनी सहेली और रिश्तेदार रोजा राम टेके को भी अपने साथ ले लिया था। दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल वैज्ञानिक के पिता ने खुदकुशी कर ली थी। जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शादी में पति के साथ अनबन से परेशान होकर संघमित्रा के पिता ने 5 महीने पहले महाराष्ट्र के अकोला स्थित अपने घर में खुदकुशी की। उसके बाद से वो पिता की मौत के लिए अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार मान रही थी। उसने बदला लेने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर इस बारे में पता लगाया कि कौन से जहर का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया जाए ताकि सुरक्षा एजेंसियों को पता ना पड़े। लेकिन उसने बेहद शातिर तरीके से अपने ही ससुराल के चार लोगों को केमिकल के जरिए मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते पुलिस भी हैरान हो गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।